ट्रैवल विद नबील चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सफ़र करते हुए फतेह जंग शहर में पहुंच गए थे। अब यहां से हमारे सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि हम वाह जाएं और वहां से बरास्ता M35 से होते हुए हरिपुर पहुँच जाएँ, और दूसरा रास्ता था कि हम आज की रात खानपुर डैम पर रुकें और सुबह खानपुर डैम देखने के बाद अपने सफ़र को जारी रखें। अब शाम का अंधेरा सर चढ़कर बोल रहा था तो हमने खानपुर डैम पर रुकने का फ़ैसला किया। शाम के अंधेरे में रुकते रुकाते हम बिल आकर खानपुर डैम पर आन पहुँचे। यहाँ पर हमने एक होटल में क्याम किया। खानपुर डैम तक पहुँचने की जितनी भी वीडियोज़ मेरे कैमरे में महफूज थी, मेमोरी कार्ड के साथ कोई मसला पेश आने के सबब सब डिलीट हो गई, तो खानपुर डैम की ये सब वीडियोस मैंने दोस्त से हासिल की हैं। शाम को यहाँ पे आते आते हमें अंधेरा हो गया था। अभी सुबह हुई है। आसपास का मंजर देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा है। होटल का नाम है लेक व्यू होटल। इधर शाम को आए तो हमने पता किया होटल के रेट्स का, तो इधर जो होटल थे वो 3 से 4 थे। 4-4, 5-5 हज़ार किराया था सभी होटल्स का, तो ये भी हमें 4 हज़ार में मिला। होटल का कमरा आपको दिखा देते हैं। एसी लगा हुआ है, पंखा चल रहा है। इधर जो है वो गर्मी अभी ज़्यादा है, हमें पंखे और एसी के बगैर इधर रात को गर्मी लग रही थी। नीचे पार्क बना हुआ है और साथ में पिछली साइड पे जो है वो खानपुर डैम है। तो अभी चलते हैं, आपको डैम भी दिखाते हैं और फिर हम आगे की जो अपनी मंजिल है उधर जाएंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है। मेरे ख़्याल में यहाँ पहुँचने वाला पहला बंदा मैं ही हूँ। बाकी मेरे साथी भी अभी पीछे हैं और कश्तियों वाले भी अभी सारे, कोई भी नहीं आया। 2-4 बंदे हैं सिर्फ इधर। तो ऐसा है कुछ मंज़र इधर का। यहाँ पे बोट्स के जो रेट हैं वो इनसे पूछ के आपको भी बताते हैं। ये इन्होंने नीचे ड्रम लगा के ऊपर लकड़ी के फटे लगा के एक पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ पे ये साइड में इनकी जो मोटर बोट खड़ी हैं। माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है इधर का। ये गवर्नमेंट की अप्रूवल रेट लिस्ट है। जेट स्काई 2% स्मॉल राउंड 350 और जो फुल राउंड है वो 1400 में। ऐसे ही स्पीड बोट का है, फुल राउंड जो है वो 1800 का, और फैमिली बोट जो है 15 से 18% वाली वो उसका फुल 3000 है। ये आज की डेट तक के ये रेट हैं, ये वाले हैं। तो आगे कोई कमी बेशी होती है तो वक़्त के साथ साथ रेट बदलते रहते हैं हर चीज़ के। तो आप आके यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ का मंज़र जो है वो बहुत प्यारा है। सर, आपके पास जो है वो सेफ्टी जैकेट्स भी होती हैं? जी, सेफ्टी जैकेट्स भी होती हैं इधर। मतलब किसी किस्म का कोई भी ख़तरा नहीं है।
यहाँ पानी की गहराई का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि साइडों पे कई जगह पे एकदम से 15 फुट की हाइट आ जाती है। सेम इसी तरह पानी के अंदर भी है, कहीं कहीं पे 50-50 फुट पानी गहरा है और कहीं कहीं पे ये 15-20 फुट गहरा है। तो जैसे जैसे पानी के अंदर की तरफ जाते रहेंगे तो मज़ीद गहराई जो है वो बढ़ती जाएगी, इसलिए जब भी आप यहाँ पर आएँ सेफ्टी जैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करें अगर आपने बोट की राइड लेनी है तो। खानपुर डैम खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरिपुर में वाक़े तहसील खानपुर के शहर खानपुर में दरियाए हरो के किनारे वाक़े एक तफरीही मुकाम है। इस्लामाबाद से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े ये तफरीही मुकाम मरी की तरह एक कारोबारी मरकज़ बना हुआ है। इस्लामाबाद से करीब तर होने की वजह से वो लोग जो ज़्यादा दिन का टाइम नहीं निकाल सकते वो अक्सर औकात हफ्ता और इतवार का दिन गुजारने खानपुर डैम पर आ जाते हैं। यहाँ पर औसतन एक हफ्ते में 40 से 50 हज़ार अफराद खानपुर की रौनक में इजाफा करते हैं। खानपुर डैम में हमने किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटी नहीं की, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुझ समेत मेरी सभी दोस्तों को नेचर से मोहब्बत है और खानपुर डैम एक बनावटी खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं था। हमने वहाँ 2 से 3 घंटे स्टे किया, खाना खाया और देखा कि लोग यहाँ क्या करने आते हैं। खानपुर डैम पर बोटिंग, पैराग्लाइडिंग, वाटर साइकिलिंग, कैंपिंग और क्लिफ जंपिंग जैसी एक्टिविटी करने को मिल जाती है। ताहम इनके रेट्स अगर देखे जाएं तो वो ज़्यादा भी नहीं हैं। वो लोग जो इस्तात रखते हैं और वक्त की कमी की वजह से सावात, कलाम, सकरदू या हुंजा वाली साइड पर नहीं जा सकते तो वो खानपुर डैम लाजमी जाएँ, यकीनन आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपको नेचर से मोहब्बत है तो मैं आपको हरगिज़ ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप खानपुर डैम पर जाएं, क्योंकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप वहां इंजॉय कर सकें। खानपुर डैम देखने के बाद हमारी अगली मंजिल बटग्राम थी, तो हम पांचों दोस्त खानपुर से हरिपुर, हरिपुर से हवेलियां, एबटाबाद और मानसेहरा से होते हुए, यानी हम शाहराए कराक्रम से होते हुए छत्तर प्लेन पर जा रुके। अगली वीडियो में आपको छत्तर प्लेन पर वाकई कुछ जगह दिखाऊँगा। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।